जैसे ही एक सप्ताह बीतता है या एक महीना बीतता है, हमारे जहन में ढेरों सवाल आने शुरू हो जाते हैं कि कैसा रहेगा भविष्य, क्या मुझे नई नौकरी मिलेगी जिसके लिए मैंने इंटरव्यू दिया है, क्या मेरे पास और धन आएगा, क्या मुझे पैतृक संपत्ति मिलेगी, क्या मुझे विदेश में सेटल होने का मौका मिलेगा, या कैसा रहेगा मेरा स्वास्थ्य, और हमारे दिमाग में बहुत सारी योजनाएं दौड़ने लगती हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है आपके लिए। तो आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए कि कैसा रहेगा समय जून 2017 से दिसंबर 2017 तक। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। व्यवसायिक मोर्चे पर इस समय की शुरुआत आपके लिए काफी अच्छी होने वाली है। आपका दृष्टिकोण प्रगति की तरफ उन्नत होगा और ये आपको जीतने में बहुत मदद करेगा। आपकी उन्नत सोच आपके करियर की विकास में बहुत अधिक सहायक होगी। दूसरी तरफ काम का दबाव कुछ बढ़ सकता है, पर इसको आप थोड़े पॉजिटिव तरीके से लीजिए, क्योंकि काम के साथ साथ आपके ऊपर जिम्मेवारियां भी आएंगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने और अनुभव करने का भी मौका मिलेगा। ये सब आपके करियर के विकास में बहुत सहायक होगा। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति पहले से भी अधिक अच्छी होने वाली है। अब आपको करना यह है कि इस स्थिति को और अधिक मजबूत बनाइए, क्योंकि नए वर्ष में हो सकता है कि आपके ऊपर जिम्मेवारियों का कुछ बोझ बढ़े और उसमें आपको कुछ खर्चा भी करना पड़ सकता है। इस समय आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को अच्छे से समझने में सक्षम होंगे। जीवन साथी के साथ कहीं दूर बाहर घूमने का योग भी बन रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर चले जाएं। इससे तो और भी फायदा होगा, क्योंकि आपका आध्यात्मिक पक्ष भी और मजबूत होगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए नई दोस्ती की शुरुआत के योग बन रहे हैं, परंतु यहाँ पर मैं इतना बताना जरूरी समझूंगा कि इस रिश्ते में अभी आपको बहुत मजा नहीं आएगा। इस रिश्ते को लंबा और चिरस्थायी बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत और इस रिश्ते को विकसित करने की जरूरत होगी। पारिवारिक जीवन की स्थिति सामान्य ही होगी, परंतु इस समय ऐसे योग बन रहे हैं कि आपका घर में बड़ों से शायद कुछ मतभेद हो जाए, इसलिए अपनी जुबान पे और अपने दिमाग पे थोड़ा सा काबू रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि झगड़े की वजह से कुछ ऊंच नीच हो जाए। इस ऊंच नीच से आपको व्यर्थ का मानसिक तनाव भी मिल सकता है, इसलिए घर में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य का आयोजन करते रहें, इससे आपको आनंद महसूस होगा। अब आपको परिवार की थोड़ी सी और जिम्मेदारियां लेने की जरूरत है, क्योंकि आगे चल के ये अनुभव आपके बहुत काम आएगा। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए इस समय आपको अनुशासन की बहुत अधिक जरूरत है। कोशिश करें कि आप एक समुचित और बैलेंस्ड आहार लें, और वो भी नियमित रूप से। आप में से उन लोग जिनका लाइफस्टाइल कुछ सेडेंटरी है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, ज़रूरत है उनको कि कुछ व्यायाम शुरू करें, सुबह की सैर शुरू करें, कुछ योगा शुरू करें, कुछ मेडिटेशन शुरू करें, वरना तनाव के शिकार हो सकते हैं और तनाव ला सकता है आपके लिए हाई बीपी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। यदि आप भी अपनी कुंडली दिखाकर हमसे सलाह लेना चाहते हैं, विचार विमर्श करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। निम्नलिखित नंबरों पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हाँ, हम मिलने के अलावा फोन और स्काइप पर भी सलाह देते हैं, परंतु हर एक केस में अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है।